पाकिस्तान के बीच में जो तल्खी है, जो दरार लद्दाख में जारी विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच में आ गई है, उसके बाद से अमेरिका का रुख बिल्कुल क्लियर है कि वो हर हाल में भारत के साथ खड़ा है, जिसके लिए संभवतः जो अमेरिका के पास दो मुख्य बड़ी वजह है वो है कोविड जैसी महामारी और दूसरा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एशिया में तनाव की मुख्य वजह बन गई है। चीन, ताइवान, अमेरिका, इंडोनेशिया और वियतनाम की नौसेना लगातार यहां गश्त कर अपना हक जताने का प्रयास कर रही है। ऐसे में सबसे मजबूत देश तो यहां चीन और अमेरिका ही है। तो अब सवाल ये कि जिस हिसाब के रिश्ते चीन और अमेरिका के बीच में हैं, अगर ये आगे जाकर और तल्ख होते हैं, युद्ध जैसा माहौल बनता है, तो अमेरिका को किसका साथ मिलेगा और चीन के साथ कौन जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि साउथ चाइना सी है कहाँ। तो ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है। चीन का दक्षिण पूर्व हिस्सा इस सागर से छूटा हुआ है। इस सागर के पूर्वी तट पर वियतनाम स्थित है, जबकि पश्चिमी तट पर फिलीपींस का कब्जा है। साउथ चाइना सी के उत्तरी हिस्से में ताइवान स्थित है। ये सागर गल्फ ऑफ थाईलैंड और फिलीपींस सागर से भी जुड़ा हुआ है। चीन का दावा है कि साउथ चाइना सी का 80% हिस्सा उसका है, और उसके बाद ये इलाका खास इसलिए है क्योंकि ये दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। इस रास्ते से दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% आवागमन होता है, जिसकी कीमत करीब $5 trillion के आसपास है। ऐसे में जिस देश का हक इस इलाके पर ज्यादा होगा वो आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनेगा। तो लड़ाई इसी बात की है कि ऐसे इलाके पर अपना हक आखिर कौन सा देश जता पाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समुद्र में 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल और मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि जब इलाका हर लिहाज से इतना मजबूत और लाभकारी है, तो फिर अमेरिका और चीन में से किसका पाला है मजबूत? फिलीपींस अमेरिका का साथ देने के लिए है मजबूर। माना जा रहा है कि जंग छिड़ने पर फिलीपींस पर अमेरिका का अधिकार होगा, मतलब कि यहाँ की सरकार अमेरिका की किसी भी बात को मानने से इनकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिलीपींस की सेना भी कमजोर है और विदेश नीति भी ठीक नहीं है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में अमेरिका के दो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है। ताइवान चीन के खिलाफ और अमेरिका का देगा साथ। चीन ताइवान पर अपना अधिकार जमाता है, लेकिन ताइवान इनकार करता है। ताइवान का साफ कहना है कि चीन को वो अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगा। तो मतलब साफ है, जब चीन के साथ दुश्मनी है तो साथ तो अमेरिका का ही देगा। और पिछले कुछ दिन में अमेरिका के साथ ताइवान के संबंधों में मिठास भी आई है। ताइवान अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। कोई दो राय नहीं कि अगर युद्ध होता है तो ताइवान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का साथ देगा। इंडोनेशिया को लेकर संशय। इंडोनेशिया का युद्ध की स्थिति में मूड भांप पाना संभव नहीं है। हालांकि इंडोनेशिया और चीन के द्वीपों में विवाद भी है। कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया नौसेना ने अपने जल क्षेत्र में 3 दिन में घुसी चीनी तटरक्षक बल की नौका को भी खदेड़ा था। वहीं इंडोनेशिया चीन की मुद्रा युआन का उपयोग भी बढ़ा रहा है, तो जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी है। तो इंडोनेशिया को चीन की जरूरत भी है और नहीं भी। तो युद्ध की स्थिति में इंडोनेशिया कौन सा पाला चुनेगा ये कहना मुश्किल होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो पाला तो अभी अमेरिका का मजबूत लगता है, लेकिन युद्ध कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, अगर होगा तो तब के हालात कैसे होंगे, इन चीजों को लेकर निश्चित कुछ भी नहीं है। तो निश्चित रूप से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन हमारा आपसे एक सवाल है, अगर साउथ चाइना सी को लेकर आगे भविष्य में युद्ध होता है तो आपके हिसाब से जीत किसकी होनी चाहिए, कौन से देश को किसका साथ देना चाहिए? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।